हेलो गाइस, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे बैक सीट को फोल्ड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं मारुति ब्रेजा का बैक सीट फोल्ड करने वाला हूं। तो पहले देखते हैं, आप देख सकते हैं बैक सीट अभी फोल्ड नहीं है। तो इसमें आपको साइड में दो लैशेस मिलते हैं, जैसे ये लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में होता है। तो इसका यूज़ करके हम सीट फोल्ड करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले हेडरेस्ट निकालने से। तो पहला हमें प्रोसेस जो करना है वो है दोनों हेडरेस्ट पीछे की सीट से निकालने हैं। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि अगर नहीं निकालेंगे तो क्या इश्यू आता है। तो दोनों प्रॉपरली निकाल लेते हैं और इसको आगे की सीट पे रख देते हैं। तो चलिए अभी पीछे चलते हैं और सीट फोल्ड करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें ये जो नीचे की सीट है इसको फोल्ड करना है। तो इसके लिए आपको नीचे से इसको पकड़ के ऊपर की तरफ पुल करना है। आपको मैं दूसरे एंगल से दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छा विजिबिलिटी मिलेगी कि कैसे करते हैं। तो इसको इस तरह पुल करना है और फिर इसको थोड़ा आगे खींच देना है और खींचने के बाद इसको ऐसे करके फोल्ड कर देना है। तो ये नीचे की सीट इस तरह से फोल्ड हो जाती है। इसके बाद हम ये लैश पुल करेंगे ऊपर की तरफ। ये दोनों साइड होते हैं सीट के, तो हमें एक एक करके दोनों करना है। और जैसे ही दूसरा वाला करेंगे तो बैक सीट इजीली फोल्ड हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली बैक सीट फोल्ड हो चुकी है। तो फोल्ड होने के बाद बैक सीट कुछ इस तरह दिखती है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ अगर आप हेडरेस्ट नहीं निकालते तो क्या होता। आप जैसे देख सकते हैं हेडरेस्ट नहीं निकालने से सीट फोल्ड नहीं होती हैं। तो चलिए सीट को पहले जैसे सेट कर देते हैं। तो इसके लिए सीट को उठाना है और इस तरह से इसको पुश करना है। पुश करने के बाद ये लॉक में सेट हो जाता है, तो इस तरह से ये हिलनी नहीं चाहिए। तो अब दूसरी तरफ जाके चेक करते हैं और सीट प्रॉपरली सेट है, तो बिल्कुल सीट हिलनी नहीं चाहिए। अब ये नीचे की जो सीट होती है इसको थोड़ा सा ऊपर खींचना है और इसको इस तरह से अंदर पुश कर देना है। पुश करने के बाद आप एक बार चेक कर सकते हैं, सीट बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। और अब फाइनली जो चीज़ बची है वो हेडरेस्ट हैं, तो हेडरेस्ट भी हम लगा देते हैं वापस से। एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो आपकी सीट बेल्ट्स होती हैं पीछे की सीट पे, ये पीछे नहीं जानी चाहिए, सामने होनी चाहिए। और ये सेम दूसरी तरफ भी चेक कर लें। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली बार।